रेडियो इंटरनेशनल है नमस्कार यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद अतुल्य चीन स्वर्णिम चीन के रंग और आर्थिक जगत प्रस्तुत किए जाएंगे और अंत में होगा रोजमर्रा की चीनी भाषा लीजिए सुनिए आज के मुख्य समाचार चीन और फिलीपींस के विदेश मंत्रियों के बीच वार्ता पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने नेशनल ने असेंबली को भंग करने की घोषणा की और रूसी राष्ट्रीय अंतरिक्ष कंपनी ने पश्चिमी देशों के साथ संयुक्त कार्यक्रम बंद किए अब आप अखिल पारस से सुनिए आज के पूरे समाचार चीनी विदेश मंत्री वांगी ने 3 अप्रैल को चीन के आनहोय प्रांत के थुनशी में यात्रा पर आए फिलीपींस के विदेश मंत्री टेतारो लोचन से वार्ता की वांगी ने कहा कि चीन सदैव फिलीपींस को चीन की पड़ोस कूटनीति में प्राथमिकता देता है फिलीपींस के प्रति चीन की अच्छे पड़ोसी जैसी मैत्रीपूर्ण नीति की स्थिरता और निरंतरता है दोनों पक्षों को बाधाओं को मिटाकर शांति से मतभेदों को अच्छी तरह नियंत्रित करना चाहिए और चीन फिलीपींस परिस्थिति पर असर नहीं पड़ना चाहिए चीन फिलीपींस के साथ बुनियादी संरचनाओं के निर्माण को तेज करेगा साथ ही फिलीपींस की मांग पर उसे कोविड 19 के टीकों की सहायता देगा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सहयोग को मजबूत करेगा फिलीपींस के विदेश मंत्री लोचन ने कहा कि फिलीपींस चीन संबंध दिन ब दिन परिपक्व होने लगे हैं। दोनों के बीच व्यावहारिक सहयोग में ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हासिल हुई है जो दोनों पक्षों को चीर लाभ दे सकेंगी इस साल जनवरी से मार्च तक चीन के नए पश्चिमी भूमि समुद्र चैनल में रेल समुद्र संयुक्त ट्रेनों द्वारा कुल एक दशमलव सात लाख टी कंटेनर कार्गो भेजे गए हैं, जो पिछले साल की समान अवधि से साढ़े छप्पन प्रतिशत की वृद्धि हुई है इस साल क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदार संबंध समझौते यानी आर को लागू किए जाने के बाद नए पश्चिमी भूमि समुद्र चैनल को नई ऊर्जा मिली संयुक्त अरब अमीरात छिंचो लांचो और दक्षिण पूर्वी एशिया छिंचो शियान आदि रेल समुद्र संयुक्त ट्रेनों का संचालन क्रमश शुरू हुआ कार्गो परिवहन में भारतीय कच्ची चीनी और मध्य पूर्व से आयातित कारों जैसे विशेष श्रेणियों के सामान भी शामिल हुए हैं साथ ही अनुकूलित रसद सेवाओं में दिन ब दिन विविधता आ रही है अभी तक नए पश्चिमी भूमि समुद्र चैनल में रेल समुद्र संयुक्त ट्रेनों के लिए चौतीस रेलवे आगमन और प्रस्थान स्टेशन खोले गए हैं जो चीन के चौदह प्रांतों स्वायत्त प्रदेशों और केंद्र शासित शहरों से जुड़े हैं। गंतव्य स्थलों ने भी सिंगापुर जापान और जर्मनी समेत विश्व के 107 देशों व क्षेत्रों के 300 से अधिक बंदरगाहों को कवर किया है 640 प्रकारों की परिवहन श्रेणियां हैं, जो पश्चिमी चीन के आर्थिक विकास को मजबूत करने और घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय धोरे परिसंचरण को सुचारू करने के लिए एक मजबूत इंजन बन गई है चीनी राष्ट्रीय रेलवे कंपनी के अनुसार 3 अप्रैल तक चीन लाओस रेलवे के परिचालन को चार महीने हो गए हैं। इस दौरान चीन लाओस रेलवे ने कुल बाईस दशमलव पाँच चार लाख यात्रियों को यात्रा करवाई है और तेरह दशमलव एक लाख टन माल का भी परिवहन किया है चीन लाओस रेलवे ने दोनों देशों के लोगों को सुविधाजनक रूप से यात्रा करने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सुगम बनाने और चीन लाओस आर्थिक गलियारे के निर्माण को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाई है चीन चीन-लाओस रेलवे के फुशिंग ट्रेन और लानस्यांग ट्रेन शहरों के बीच आने जाने की दूरी को कम करते हुए सुरक्षित हरित सुविधाजनक और आरामदायक बनाया है चीन के हाइनान मुक्त व्यापार बंदरगाह के मुख्य कार्यक्रम के रूप में हाइको अंतरराष्ट्रीय शुल्क मुक्त शहर का प्रमुख निर्माण पूरा हो गया है इस कार्यक्रम के निर्माता चीनी निर्माण ग्रुप के पहले ब्यूरो ने 3 अप्रैल को यह खबर जारी की कि इस कार्यक्रम के शुल्क मुक्त वाणिज्य केंद्र की छत कुछ दिनों पहले बंद कर दी गई है अनुमान है कि इस साल इसका उपयोग औपचारिक रूप से किया जाएगा गौरतलब है कि हाइको अंतरराष्ट्रीय शुल्क मुक्त शहर के शुल्क मुक्त वाणिज्य केंद्र का कुल क्षेत्रफल फल दो लाख उनासी हजार वर्ग मीटर तक जा पहुंचा, दो मंजिल भूमिगत प्रबलित कंक्रीट संरचना है जिसका क्षेत्रफल लगभग एक लाख चालीस हजार वर्ग मीटर है पाकिस्तान राष्ट्रपति सचिवालय के अनुसार पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने 3 अप्रैल को प्रधानमंत्री इमरान खान के प्रस्ताव को मंजूरी दी और नेशनल असेंबली भंग करने की घोषणा की उस दिन नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष कासिम सूरी ने नेशनल असेंबली सत्र की अध्यक्षता करते हुए इमरान खान के खिलाफ विपक्षी गठबंधन के अविश्वास अभियान को खारिज कर दिया इसके बाद इमरान खान ने टीवी पर भाषण देते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को नेशनल असेंबली भंग करने की सलाह दी ताकि जल्दी से आम चुनाव हो सके उन्होंने कहा कि अगला कदम एक संक्रमण कालीन सरकार तैयार करना है श्रीलंका के मंत्रिमंडल के 20 से अधिक मंत्रियों ने 3 अप्रैल की रात को सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया श्रीलंका के प्रधानमंत्री भवन ने कहा कि प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे इस्तीफा नहीं देंगे श्रीलंका में ईंधन और बिजली के अभाव की समस्या को हल करने के नए प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है श्रीलंका की सत्तारूढ़ पार्टी के नेता दिनेश गुणवर्धना ने 3 अप्रैल की रात को मंत्रिमंडल के मंत्रियों के सामूहिक इस्तीफा देने की घोषणा की अब श्रीलंका की मौजूदा सरकार में केवल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं अनुमान है कि निकट भविष्य में नए मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा हाल में श्रीलंका विदेशी मुद्रा और सामग्रियों के अभाव का सामना कर रहा है देश में वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ गए हैं और बिजली सप्लाई में काफी कमी आई है इसलिए देश में विरोधी का प्रदर्शन हुआ है रूसी राष्ट्रीय अंतरिक्ष कंपनी के महानिदेशक एलेक्सी रोगोजिन ने 3 अप्रैल को कहा कि इस कंपनी ने पश्चिमी देशों के साथ संयुक्त कार्यक्रम बंद कर दिए हैं। उधर यूक्रेन के आर्थिक मंत्रालय के उप मंत्री जक्यूरा ने 3 अप्रैल को कहा कि अभी तक सैन्य संघर्ष से यूक्रेन को 5 खरब पैंसठ अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान पहुँचा है रोगोजुन ने 3 अप्रैल को सोशल मीडिया पर लेख जारी कर कहा कि नैतिक कारणों से रूसी राष्ट्रीय अंतरिक्ष कंपनी ने पश्चिमी देशों के साथ संयुक्त कार्यक्रम बंद कर दिए हैं क्योंकि यह है कंपनी यूक्रेन सरकार को हथियार और राजनीतिक समर्थन देने वाले किसी देश के साथ सहयोग नहीं करेगी यूक्रेन राज्य समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार जक्यूरा ने 3 अप्रैल को कहा कि अभी तक सैन्य संघर्ष से यूक्रेन को पाँच खरब पैंसठ अरब डॉलर का प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान पहुंचा है उनमें बुनियादी सुविधाओं को एक खरब उन्नीस अरब डॉलर नागरिक सुविधाओं को इक्यानवे अरब डॉलर और पूंजी निवेश में चौवन अरब डॉलर का नुकसान हुआ है रूसी राष्ट्रपति के प्रेस सचिव पेस्कोव ने 3 अप्रैल को बताया कि चूंकि पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ पाबंदी लगाई है इसलिए ज्यादा ऐसी ज्यादा देशों के यूएस डॉलर और यूरो पर विश्वास कम हो गया है वे अपने देश की मुद्रा से भुगतान करने पर विचार करने लगे हैं यह प्रक्रिया बंद नहीं होगी कई दिनों पहले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रथम डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने भी ऐसा मत व्यक्त किया था उनका मानना है की रूस के खिलाफ वित्तीय पाबंदी संभवतः यूएस डॉलर के नेतृत्व के स्थान की कटौती होगी तीन अप्रैल को अमेरिका के कैलिफोर्निया की, की राजधानी सैक्रामेंटो शहर में गोलीबारी की घटना हुई जिसमें छह लोग मारे गए और अन्य बारह लोग घायल हुए उस दिन आयोजित प्रेस सम्मेलन में सैक्रामेंटो के पुलिस प्रमुख कैथी लेस्टर ने कहा कि शहर के केंद्र में गश्त लगा रहे पुलिस अधिकारियों ने लगभग दो बजे गोलियों की आवाज सुनी और तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे, लेकिन तीन पुरुष और तीन महिला मारी जा चुके थे रिपोर्ट के अनुसार गोलीबारी शहर के केंद्र के एक कमर्शियल स्ट्रीट में हुई हमलावर ने रेस्टोरेंट के बाहर लोगों की भीड़ पर दर्जनों गोलियां चलाई पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची, हमलावर वहां से जा चुका था पुलिस को घटनास्थल से एक चोरी की हुई बंदूक मिली पुलिस को संदेह है कि एक से अधिक लोगो ने इस गोलीबारी को अंजाम दिया